हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बनाने चलते हैं झटपट से बनने वाला नाश्ता। तो इसके लिए अब हम देख ही रहे, जैसे कि आप, मैंने लिए हैं सेवई। ये रोस्टेड सेवई नहीं है, ये प्लेन सेवई है। इसको हम बिना ऑयल के हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए और ताकि ये और अच्छे लगे खाने में। तो हम इसको रोस्ट करते हैं, कच्ची से हल्का हल्का चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। वैसे भी जैसे कि आप देखा है कि मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है तो इसमें चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए हम बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे आराम से। देख लीजिएगा कि ये गर्म ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपना सेफ्टी का भी ध्यान देते हुए आप इसको आराम से निकालें, जल्दीबाजी ना करें। और ये हमने सारा निकाल लिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कम ऑयल में भी अच्छा बन जाता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करेंगे। जैसे सब जानते हैं कि तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम थोड़ा सा ही तेल यूज़ करेंगे। अब जैसे कि देखा आपने, मैंने जीरा भी इसी टाइम में डाल दिया। और अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का हल्का सा हम फ्राई करते रहेंगे। इतना फ्राई भी नहीं करना है इसको कि बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए, इसको हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन। हल्का हल्का चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल कम डाला है तो चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है। इसको गोल्डन ब्राउन देखिए आप कर चुके हैं, पिंकिश हो चुका है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। बीच में भी इसको चलाते रहिए। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। मैंने एक टमाटर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने एक टमाटर और एक प्याज डाला है इसके अंदर। मेरे पास हरी मिर्च थी नहीं, वरना मैं ज़रूर डालती, मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मटर डाल रही हूँ, मेरे पास मटर अवेलेबल थी। आप कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, जैसे कि आप गाजर डाल सकती हैं, कैप्सिकम शिमला मिर्च डाल सकती हैं, आलू भी डाल सकती हैं, बट मुझे डायबिटीज़ है तो मैं आलू प्रेफर नहीं करती। मैंने इसके अंदर बस मटर डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है और उसको चलाते रहेंगे। अब मैंने इसके अंदर जवे जो मैंने फ्राई किए थे वो डाल के मिक्स कर दिया है। मैंने अब एक चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं, कम ज़्यादा, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लेती हूँ, जो कि मुझे खाना नहीं चाहिए एक्चुअली डायबिटीज़ में, बट मैं फिर भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं नमक भी थोड़ा तेज खाती हूँ और ये मसाले भी थोड़े चटपटा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से मसाले डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसको हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे। इधर मेरी चाय भी उबल रही है। मैंने जैसे कि आपको बोला ना कि ये झटपट सा नाश्ता है, तो नाश्ता हो और साथ में चाय ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने साथ में चाय भी डाल दी। यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी आप 1 से 1.5 गिलास के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैं 2 से 3 जने के लिए बना रही हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। यहाँ मेरी चाय में भी उबाला गया है, यहाँ मेरा ये भी तैयार हो रहा है। बस अब झटपट से ये बन जाएगा और झटपट से हमारे पेट में चला जाएगा। अब हम इसको उबाल आने तक इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि ये बॉयल हो जाए अच्छे से, मटर भी और इसके अंदर जो हमने सेवियाँ जमे, पमिसल्स, जो भी आप इसको नाम देते हैं, जिस भी नाम से आप बुलाते हैं इसको, वो आप पकने दीजिए। तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और इसको बस 5 मिनट के लिए इसको कम आँच में पकने देंगे। ये देखिए हमारा लगभग पक गया है, एक बार हम चला के देखेंगे इसको। बस थोड़ा सा इसको और पकने दीजिए ताकि ये बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि एक्चुअली ये आटे के हैं, मैं मैदा यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये आटे वाले हैं। ये ढक दिया मैंने इसको, 5 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसको,
आप 2 मिनट इसको रेस्ट करने दीजिए। हमारा पक चुका है सर्विंग, अब इसको हम सर्व करेंगे सर्विंग बॉल में। हम सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। ये मैं अपने बेटे के लिए निकाल रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा डिमांड करता है मम्मी की, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं झटपट में यही मेरे को सबसे अच्छा लगता है बनाने में, इजी भी रहता है और बच्चा भी खुश होता है, तो ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनाएंगे। माओ का तो यही काम है तो बच्चों को खुश करना। ये साथ में मैंने चाय एक्चुअली मेरा बेटा नहीं पीता है, बट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए चाय डाली उसमें। चाय